अगर आपको एकदम बेस ल्यूमिनस चाहिए तो उसके लिए आपको फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए एज अ प्राइमर। जब आपका स्किन थोड़ा सा ऑयली रहता है तो बेस बहुत अच्छे से आपके स्किन पे स्टिक करेगा एंड वो ल्यूमिनोसिटी जो है ना वो आपके बेस से पिक करेगी। यहाँ पर मैं बहुत ब्यूटीफुल सा इलेक्ट्रिक ब्लू लगा रही हूँ एंड योर ओके, सो मैं अभी इसे स्टाइल करने वाली थी, मतलब ये पूरे आउटफिट को एंड स्टाइलिंग के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग यूज़ करना चाहती हूँ। ओके, एक कान पे मैंने ये पहना है, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त झनकार यहाँ पर भूल गई तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन सॉरी झनकार। एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव दिस ईयरिंग विच आई वेयर ऑन एवरी एवरी आउटफिट। अपने में अच्छा लग रहा है काफ़ी, बट मुझे लग नहीं रहा ये आउटफिट और आई लुक के साथ जा रहा है। मैं एक बिंदी भी पहनना चाहती हूँ यार, एक तो बिंदी भी नहीं मुझे पहनने आती है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मजा नहीं आ रहा। ओके नाउ बेटा। हाय गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना डील विद वन प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं, विच इज बॉल्ड स्पॉट्स। ये जो आप देख रहे हो, इसको कवर करने के लिए मैंने ब्लैक आई शेडो से अपने फ्लैट ब्रश से मैं अपने बाल पे लगाऊंगी एंड पीछे की तरफ मर्ज करती रहूंगी। ओके, ब्लेंड इन करना है अपने बालों के साथ। मैं ये हर बॉल्ड स्पॉट को है ना ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर अच्छे से आई शेडो लगाऊंगी एंड कवर करूंगी। ओके, यू हैव टू टेक योर टाइम विद दिस। ओके, डोंट डू इट इन अ हरी। एक मैंने एक बस एक प्लेन ब्रश लिया है, फ्लफी ब्रश, एंड ब्लेंड कर रही हूँ पीछे की तरफ। ओके, आप देख सकते हैं मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढा है। फिर मैं अपना एक एलोवेरा जेल ले रही हूँ विद द हेल्प ऑफ नीट टूथब्रश, ये अपनी बेबी हेयर को टेम कर रही हूँ एंड दैट्स द रिजल्ट हाय गाइस, गाइस। मैं आज आप लोगों को अपना सिंपल सा ब्राउ रूटीन दिखाऊंगी। पहले मैं अपने बालों को ब्रश करती हूँ एंड देन एक एंगल ब्रश की मदद से डार्क ब्राउन कलर अपने मिडल एंड एंड में फिल करती हूँ। फ्रंट में सिर्फ एक नीचे की ओर लाइन बनाऊंगी एंड दो तीन स्ट्रोक्स मारती हूँ मैं एंड उसे फिर मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ब्रश फिर से लेके ब्लेंड इन कर दूंगी ताकि वो लाइन शार्प ना दिखे। मैं ऊपर की ओर कोई लाइन नहीं बनाती, फिर एक क्लियर जेल से सेट कर लेट्स दूंगी। ट्राई अ हैक वेयर एंड वी मिक्स अ डार्क वाइन लिपस्टिक विद कंसीलर एंड यूज इट एज अ ब्लश एंड अ नाइस शैडो एंड लाइक आई ट्राइड एंड दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लश दैट आई हैव एवर यूज्ड। इट लुक्ड स्मूथ। हाय गाइस, तो मैं आज आप लोगों को ये बड़ा सा एफर्टलेस टॉप डॉट बनाने की प्रोसीजर दिखाऊंगी। ओके, बस बालों को एक बन में बांधना है एंड देन स्प्रेड कर देना। इट्स एज इजी एज इट गोज। हाय गाइस, तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि स्ट्रेटन कैसे करें एंड उसके बाद ये बीची वेव्स कैसे लाएंगे। ओके, पहले क्लॉक क्लिप्स लीजिए एंड देन अपने बालों को सेक्शन कर लीजिए अच्छे से। पीछे के बाल पहले कर्ल कर लीजिए, फिर आगे के लीजिए एंड देन धीरे धीरे सबको कर्ल करेंगे हम लोगों के। ये मैंने 30 mm का वेगा का टोंग लिया है एंड इससे मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट पहले मैंने अपने पीछे के किए थे, अब मैं अपने आगे के कर रही हूँ। एंड देन अपने एक वाइट टूथ कॉम लेके आपको ये कर्ल्स को स्प्रेड कर लेना है। अगर हेयर स्प्रे है तो वो भी स्प्रे कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय। कोरियन लिप्स कैसे करते हैं बड़ा फेमस है एंड इस वीडियो में मैं आपको वही दिखा रही हेलो हूँ। हेलो हेलो गाइस, ऐसे अगर आपके ऑयली बाल हो चुके हैं उसे रिवाइव करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। पहले तो अपने ऑयली बालों को कोम कर लीजिए। ड्राई शैम्पू लीजिए, ये बटीस्ट की तरफ से है। अच्छे से अपने सारे बाल को उठा उठा कर स्प्रे करना है और अच्छे से झाड़ना है अपने बाल में, पूरा मिला देना है। देखिए कैसा बाउंस आ जाएगा। ओके, ऐसे ही तब तक करना है जब आपके पूरे बाल पूरे बाउंस ही ना हो जाए। एक बार फाइनली आपको कोम से लेके पूरा कोम करना है एंड द रिजल्ट इज समथिंग लाइक दिस, एकदम फ्रेश। अगर आपके बाल मेरी तरह काफ़ी स्ट्रेट हैं और आपको टाइट कर्ल्स चाहिए तो आपको पहले तो बहुत सारा सीरम लगाना है, एकदम भिगो देना है, फिर सेक्शनिंग करनी है एंड पीछे के बालों को थोड़ा लूज कर्ल ही छोड़ना है क्योंकि आप वहाँ टाइट कर्ल नहीं कर सकते। आगे के बालों को एकदम पतला पतला सेक्शन लेके आपको करना है, हाफ लेंथ में आ जाने चाहिए आपके कर्ल। ओके, ऐसे कुछ दिखेंगे। एक लूज कॉम से, वाइट टूथ कॉम से आपको लूज करना है ये कर्ल्स, ज़्यादा भी मत कीजिएगा एंड ऐसा आपका दिखेगा। हेयर आई एम टीचिंग यू हाउ टू अचीव अ टील ब्लैक लिप इफ यू आर डूइंग सच अ लुक एंड इट इज वेरी वेरी इजी। आई एम गोना शो यू अ परफेक्ट हैक टू गेट अ वेरी वेरी नाइस विंग लाइनर। यस, तो उसके लिए सबसे पहले जस्ट ड्रॉ अ लाइन, ऑब्वियसली अ विंग, ओके, एट द एंड ऑफ योर आई। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन उसके साथ बनाइए, ट्रायंगल को फिर वो फिल कर लीजिए तीनों पॉइंट्स को अटैच करके एंड देन जस्ट ड्रॉ अ स्लांटिंग लाइन। जब आप आँख खोलेंगे एकदम परफेक्ट विंग दिखेगा ऐसा। ये हुडेड आइज के लिए।
आप येलो लाइनर भी ऐड कर बिग सकते ब्लो हैं। आउट हेयर किसे नहीं चाहिए, पहले आपको उसके लिए सीरम लगाना है एंड देन आपको कोई भी एक राउंड ब्रश लेना है जो कि आपको हीट कर सके। पहले मैं अपने बालों को ड्राई कर रही हूँ, फिर सेक्शन करूँगी या एलिगेटर क्लिप से, ये एक एक सेक्शन में अच्छे से मैं ब्लो आउट करूँगी, एक एक सेक्शन लेके खींच खींच कर। ओके द ट्रिक इज़ कॉम आफ्टर योर ब्लो ड्राई, बहुत ही सुंदर लगेगा। हाय गाइस, सो विंटर में हम सबको मन करता है एक डार्क वाइन लिप कलर पहनने का। सो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मरून कलर के लिप लाइनर से अपना लिप को अच्छे से लाइन कर दूंगी एंड फिल इन भी कर दूंगी। ओके, ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनके पास यू नो जो वाइन कलर्स यूजली यूज़ नहीं करते हैं। ओके, उन्हें बस एक वन टाइम पहनना है। इसके बाद आपको एक सिमिलर शेड लेना है एंड यू नो उसी से फिल इन कर लेना है। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक सिमिलर मरून वाइनिश कलर ही लिया है, बट स्टिल मुझे उतना डार्क नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे इस बार काफ़ी डार्क जाना था। ओके, मैं उन लोगों की बात करूँ जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डार्क जाना है। सो द ट्रिक हियर इज़ टू यूज़ काजल एज योर लिप लाइनर आफ्टर अप्लाइंग योर लिपस्टिक। तो मैं यहाँ काजल को लिप लाइन कर दूंगी एंड देन उसके बाद स्मज करूंगी अपने अपर लिप से। आप देख सकते हैं ये कितना डार्क हो जाता है एक बार आप जब काजल से लिप लाइन कर देते हो। तो दिस इज़ द ट्रिक गाइस, डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर। हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया वाला जैसे स्ट्रेटन मूवीज़ में होता है ना वो दिखाने वाली हूँ। आपके बाल इसके लिए काफ़ी गीले होने चाहिए। पहले आपने सीरम से अपने बालों को भिगो लीजिए, ओके, लोअर एंड स्पेशली, फिर थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए। मैंने ये ब्रश लिया है, मैंने यहाँ टी शर्ट चेंज कर लिया ताकि आप मेरे बाल ठीक से देख सकें। फिर से मैंने एक हेयर मास्क लिया है, एकदम थोड़ा सा यहाँ पर लगाऊंगी मैं नीचे एंड फिर से सीरम से अपना हेयर कोट कर दूंगी। इसके बाद द ट्रिक इज़ कि आप कंघी और स्ट्रेटनर दोनों यूज़ करें। ओके, एंड धीरे 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 कंघी से आपका बाल सेपरेट होंगे एंड स्ट्रेटन कीजिए। दैट्स वाई सीरम एंड मास्क वर नेसेसरी, ताकि यू नो एक एक स्ट्रैंड आपका पूरा अच्छे से नरिश्ड रहे एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन वन साइड हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। ओके हाय गाइस, तो मैं आप लोगों को एक लिप रूटीन दिखाऊंगी जहाँ पर आपको ये लिप स्क्रब यूज़ करना है। मैंने बेला वीटा का नीको लिप्स यूज़ किया है, देन इसे वाइप ऑफ कर लेंगे अच्छे से। देन आप अपना लिप बाम लगाइए एंड उसके ऊपर आप किसी भी लिप कलर को लगा सकते हैं। यहाँ मैंने मास्क का ब्राउन शेड यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा। हाय गाइस, सो अ फ्यू डेज बैक मैंने ये लुक किया था। पहले मैंने अपने लिप पे वाइट कलर लगाया, ब्लू एंड डार्क ब्लू से अपना क्रीज सेट किया, फिर थोड़ा सा क्रीज को क्लीन करूँगी अपने मिसला वाटर से। उसके बाद मैंने ये फ्यू कलर्स लगाया, वाइट लाइनर अपने क्रीज पे बिठाया एंड देन अपने लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर सेट किया एंड टाइट लाइन भी कर लिया। ब्राउन कलर का ये लिप लाइनर मैंने अपने लिप पे यूज़ किया एंड दैट्स द